नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। मधेश में आंदोलनरत संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सब सम्मिलित बैसार जनकपुर में शुरू भेल। सरकार संग चलते वार्ता के समीक्षा आ औचित्य संबंध में गहन छलफल होबैक वार्ता के सहभागी सब जनौने। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के घटक दल सब संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपाक अध्यक्ष महंत ठाकुर, सद्भावना पार्टीक अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आ तराई मधेश सद्भावना पार्टीक अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव सम्मिलित बैसार अबेर राति धरि चलल छल। बैसार में मोर्चा के घटक दल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब सहित जिला में रहल एक एक गोटे केंद्रीय सदस्य के सेहो सहभागिता रहल। साँझ 6 बजे से जनकपुर के एक होटल में शुरू भेल बैसार में सरकार संग होइत आयल वार्ता के समीक्षा, आंदोलन के स्वरूप तथा आंदोलन की समीक्षा आ आगामी रणनीति संबंध में छलफल भ रहल। बैसार में सहभागी तमलोपाक अध्यक्ष महंत ठाकुर बैसार 2 दिन धरि चलत जानकारी करौने छथि। रवि दिन के लिए निर्धारित सरकार संघ के वार्ता के बाद बैसार से आंदोलन आ सरकार संघ के वार्ता के औचित्य संबंध में ठोस निर्णय लेबाक मोर्चा के अध्यक्ष सबके आंतरिक गृह कार्य भ रहल। राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल नेपालक निर्माण मधेशी सब केला के कारण मधेश अलग देश नहीं बल्कि संपूर्ण नेपाल पर आधिपत्य कायम कर के दिशा में अग्रसर होबा आंदोलनकारी मधेशी जनता के आह्वान कलन। जनकपुर में सैन दिन स्टेशन एरिया युवा समाज आयोजना केने सहित सबक श्रद्धांजलि तथा सम्मान कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि लाल मधेश देश के एजेंडा से बात ऊपर पहुंच चुकल अवस्था में समग्र नेपाल पर दावी कर मधेशी सबके आह्वान कलन। मधेश अपन अधिकार मांग आंदोलन नहीं कर रहा बरू मधेशक मांग मधेशक नैसर्गिक दावी रहा हुनक कथन छलन। विश्लेषक लाल देश के हरेक जनता के मत भार बराबर होबा अंतर्राष्ट्रीय संविधान वादक मान्यता रहल कहित एक पहाड़ी के मत बराबर दू मधेशी के मत भार होबा नहीं सकबाक उल्लेख कलन। भौगोलिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कर के संवैधानिक व्यवस्था के आलोचना करते सीके लाल एहन धारणा रखलन। कार्यक्रम में साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला मधेश आंदोलन क्रांति के जीवित रखने बतौलन। ओ क्रांति नायक प्रचंडक प्रति क्रांति के मतियार भेला के बादो मधेश क्रांति के बाट पर चल रहल प्रति सम्मान व्यक्त कलन। ओ मधेश आंदोलन के आयतन बढ़बैत आंदोलन में दलित आदिवासी जनजाति तथा आंदोलन प्रति सद्भाव राखे वाला पहाड़ी समुदाय के जोड़ सुझाव दलन। कार्यक्रम में स्टेशन एरिया युवा समाज धनुषा तथा महतरी जिला में आंदोलन के क्रम में शहादत प्राप्त केने 9 गोटे शहीद सबके श्रद्धांजलि तथा हुनक परिवार के 10,001 रुपया प्रदान कर सम्मान केने छल। संघीय गणतंत्र नेपाल के दोसर उपराष्ट्रपति में नंद बहादुर पुन रवि दिन पद तथा गोपनीयता के शपथ ल रहल छथि। पुन राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक समारोह के बीच में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से शपथ ग्रहण लेब के कार्यक्रम रहल। शपथ ग्रहण कार्यक्रम बेरिया के 2 बजे के लिए तय कल गया। राष्ट्रपति के सहयोगी सुभाष देवकोटा जानकारी करौलन। व्यवस्थापिका संसद में उपराष्ट्रपति चयन के लिए शनि दिन भेल निर्वाचन में पुन 325 मत अन्य छलथ। पुन के निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार अमी कुमार यादव 212 मत प्राप्त कने रहत। चीनिया अनुदान के पेट्रोलियम पदार्थ लक नेपाली टैंकर सब बीतल आज 9:30 बजे रसुआ के रसुआगढ़ी नाका नेपाल भीतर आयल। नेपाल आयल निगम के निर्देशक तथा प्रवक्ता दीपक बराल सहित के टोली आ 3 टा पेट्रोल लक टैंकर रसुआ में आयल। बेसी हिम पड़ला के कारण से पेट्रोल आब अबेर भेल निगम के प्रवक्ता दीपक बराल बतबैत छथि। चीन के केरुंग नाका से 4 किलोमीटर ऊपर से नेपाली टैंकर पेट्रोलियम पदार्थ भरने छल। आइ रवि दिन 27,000 लीटर पेट्रोल ल कऽ ओ टैंकर सब काठमांडू स्थित थानकोट डिपो में पहुँचत। शुक्र दिन 12 टा टैंकर रसुआ पहुँचल छल। ओहि में से चीनिया अधिकारी सब शनि दिन बेरिया में 3 टा टैंकर के मात्रे ईंधन भर के अनुमति देने छल। चीन केरुंग में 100 मैट्रिक टन पेट्रोल अन्य है। मधेश आंदोलन से पेट्रोलियम पदार्थ आन में सहज नहीं भेला के बाद नेपाल आयल निगम चीन संग ईंधन खरीद समझौता कर पेट्रोलियम पदार्थ आन लागल है। आई 9 टा टैंकर ईंधन भर चीन के केरुंग जाय लागल है। भर के आयल पेट्रोलियम पदार्थ के टैंकर सशस्त्र सीमा सुरक्षा वाला नेपाल प्रहरी सुरक्षा दे रहा है। चीन से एना का पेट्रोलियम पदार्थ आनल गेल ई पहिल बेर है। मधेश आंदोलन शुरू भेल 79 दिन सरकार आ संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा बीच आइ रवि दिन 3रा चरण के औपचारिक वार्ता होब जा रहल है। मधेश में ई वार्ता के आशा आ निराशा दुनू कोण से देखल जा रहल है। ई वार्ता से निष्कर्ष नहीं देव के आंकलन बेसी कैल जा रहल है। हुनका
सबके अनुमान है जे सरकार वार्ता से समाधान खोजस बेसी समय लंबावक में देखल गेल है। यद्यपि वार्ता से समाधान निकालक में मधेश मामला सब जानकार बतबैत है के लिए सरकार से संविधान जारी कर वाला मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले आ माओवादी मधेश के मांग संबोधन कर एकमत होव चाहिए से आवश्यक रहल उनकर सबके कथन छन। मोर्चा के वार्ता टोली पुनर्सीमांकन विषय में मार्गचित्र सहित रवि दिन के वार्ता में आव सरकारी टोली के कहने है। मधेश में आंदोलनरत पक्ष सब बीच समन्वय का आंदोलन के निर्णायक बनाब के उद्देश्य से गठित प्रगतिशील मधेशी समाज के पहल बैसार जनकपुर में भेल। जनकपुरक यात्री निवास में भेल बैसार में 4 दर्जन से बेसी युवा अगुवा तथा बुद्धिजीवी सबक सहभागिता रहल छल। मधेश में जारी आंदोलन में समर्थन करितो मन रूप में घर में बैसल व्यक्ति सबके स्वतंत्र बैनर में सहभागी कराब तथा आंदोलन करितो प्रभावकारी होब नहीं सकल ठहर बैसार से कैल गेल। बैसार के बाद प्रगतिशील मधेशी समाज के संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र यादव मधेश में आंदोलनरत पक्ष सबके एकत्रित करे के लिए गृह कार्य सेहो कैल जा रहा कहलन। जे कोनो नॉन पॉलिटिकल लोग सब छै ओकरा सबके एगो संगठन बनाई जिमें बेसी तो अपने के शिक्षित युवा एहन लोग सब होय ते के लागी हम सब जे छै दो तीन दिन गृह कार्य के लिए आइयो यो गृह कार्य के अंतर्गत एगो कार्यक्रम छै। हमार के गाँव सब छै ढलके बर के छेउछाउ में प्रत्येक ठाम जाकर गाँव गाँव में एकटा जनता के युवा सबके खास करके युवा सबके अपन विचार द कर संगठन बना कर और धरना कार्यक्रम करी बॉर्डर हाईवे के जाम करी तई के अभी तत्काल के लक्ष्य छै। शुक्र के सांझ में प्रगतिशील मधेशी समाज के गठन कैल गेल छल। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सह अध्यक्ष अशोक राय आंदोलन के मांग संबोधन नहीं कैलक त सरकार के अक्षम्य अपराध कर रहल टिप्पणी कैलने छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल जनकपुर में आयोजित चुनाव के कार्यकर्ता भेला में सहभागी होबस आगू संचार कर्मी सब संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया देत फोरम सह अध्यक्ष राय डेमोक्रेसी के विकल्प डेमोक्रेसी रहल जका आंदोलन के विकल्प आंदोलन रहल कहत मांग संबोधन नहीं कैल गल स्थिति भयावह हैत चेतावनी से दिलेन ओ अलग राष्ट्र धर के बात उठ सक के संकेत करते राज्य के गतिविधि में आंदोलन के एजेंडा तय हैत स्पष्ट कैलन। गृह मंत्रालय राजमार्ग अवरोध आ सार्वजनिक सवारी तोड़फोड़ में संलग्न हो वाला के मुद्दा चलाब के निर्णय से आंदोलन और सशक्त आ मजबूत हैत दावी से कैलन। राय कोनो दल या मोर्चा के मात्र आंदोलन सीमित नहीं भक आंदोलन जनता से स्वस्फूर्त रूप में होत अला से संबोधन नहीं कैल गल अवस्था में भयावह हो सकबाक चेतावनी दिलन। भेला में संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सह अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब के उपस्थिति रहल छल। भेला संपन्न भेला के बाद जनकपुर में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के घटक दल के अध्यक्ष सबके बैसार बैसक के कार्यक्रम छल। जनकपुर उप महानगरपालिका के पूर्व वडा अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसक क्रियाशील सदस्य राघव सिंह के निधन भेल छन्। करीब 62 वर्षक सिंहक इलाजक क्रम में दिल्ली के स्थित एम्स अस्पताल में निधन भेल छन्। सिंह के पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में जनकपुर आनल गेल छ। सिंह पंचायत आ बहुदल बेर में सेहो बेर बेर जनकपुर नगरपालिकाक वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छला। सिंह के पार्थिव शरीर पर नेपाली कांग्रेसक पार्टी झंडा उड़ाक सम्मान संग अंतिम संस्कार कैल गेल छ। सिंह के कन्या दुटा बेटा आ 4 बेटी छन्। सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो विद्यालय व्यवसाय आ सवारी साधन संचालन केला से आंदोलन कमजोर हाथ कहत आंदोलन के निर्णायक बनाब कठोर कार्यक्रम सब आन के आवश्यकता रहल कहलने। जनकपुर में नेता कार्यकर्ता के संबोधन करते सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष महतो आंदोलन उत्कर्ष में रहल समय में बंद हड़ताल खुलाब के प्रस्ताव आनब दुखद रहल कहत आंदोलन के सशक्त कर दिस ध्यान केंद्रित कर सब पक्ष आग्रह कलन। राज्य आंदोलनरत पक्ष के थका का आंदोलन कमजोर कर के षड्यंत्र कह रहा कहत महतो एहन मनसाय गलत सिद्ध हाथ से स्पष्ट कलन। जनकपुर के एक होटल में मोर्चा के बैसार बैसा आगू सद्भावना के नेता कार्यकर्ता आंदोलन में सर्वसाधारण के नैराश्यता संबंध में अध्यक्ष महतो समक्ष असंतुष्टि व्यक्त कने छलत महतो वही संबंध में जवाब देने छल। जनकपुरक गैस डीलर तथा कंपनी के प्रतिनिधि के भारत सब बीतल किछ दिन में दर्जनों टैंकर पेट्रोल आ गैस के बुलेट आयल कहत नेपाल आयल निगम एकोटा टैंकर आ बुलेट मधेशक जिला सब में वितरण नहीं केने उपराग दलक।
आंदोलन से प्रभावित जिला होते टैंकर आ बुलेट जाए तो आंदोलन के कारण देखते नेपाल आयल निगम गैस आ ईंधन उपलब्ध कराव नकार आयल दावी कैल गया। एक दिन पहले रुपेडिया नाका से नोबेल कंपनी के नाम में आयल गैस के बुलेट से हो आयल निगम काठमांडू पठाने दावी करते आयल निगम नोबेल कंपनी से भेदभाव के दावी कैलन। नेपाल आयल कंपनी के नेपाल आयल निगम के क्षेत्रीय डिपो धनसाक महेंद्र नगर में से हो रहा है। तो हम सब नोबेल गैस में तालाबंदी के साथ साथ आयल निगम में भी तालाबंदी करे के लिए हम सब आगाड़ी बढ़े यथाशीघ्र जे हेटौड़ा से लेके इटारी के बीच में एकेटा उद्योग है नोबेल उद्योग वही उद्योग में यथाशीघ्र कम से कम 20 बुलेट गैस नेपाल सरकार के रीरूट करा के हो चाहे जत से मैनेज करके पठा देवे के लिए भी हम अनुरोध कर चाहे डाइवर्ट भएको भैरव मात्र भएको छ एउटा भैरवा भएको छ भैरवाबाट आएको भनेको सबै जति आएको छ उसलाई हिजो पनि सरकारले भन्दैछ सबै काठमाडौँ तान्ने र जति आउँदैछ सबै काठमाडौँ लिएर जाँदैछ भैरवाबाट आउँदा चाहिँ र वीरगन्जको र जनकपुरको लागि चाहिँ रिरुरु भएको छैन त्यसमध्ये एउटा हालसाल भएको भनेको एउटा सुपर ग्यासलाई भएको छ सुपर ग्यास पनि आज बेलुका नभए भोलि बिहानसम्म उसको आफ्नो फ्याक्ट्रीमा आइपुग्छ एउटा गाडी। एक त के भने तराईको लागि त भेदभाव भन्ने कुरा के हुन्छ नि भेदभाव त पूर्ण रूपले भएको छ कि कोटा हिजो मलाई फुल कोटा दिँदा पनि जनकपुर ग्यास पाउँदैन होइन अब अहिले आजको दिनमा 32-38% ग्यास भन्छ क्या सिलिन्डरको आधारमा तर 38%ले पनि जनकपुरमा ग्यास पुग्दैन कि अरूको घरमा एक महिना पुग्छ भने जनकपुरको घरमा 15 दिन पुग्छ जनकपुरको घरमा 15 दिन पुग्छ किनकि यहाँ अरूको घरमा अरूको सानो परिवार छ तर जनकपुरको एज ए होल परिवारमा चाहिँ ठुलो परिवार छन् लार्ज परिवार छन् उसको अरूको मधेसमै दर्जनौ ग्यास कम्पनी रहेछ बित्ला समयमै भारत चाहिँ 4 दर्जनस बेसी बुलेटमै छ मधेसमै रहल वीरगन्जकै सुपर कम्पनीकै मात्रै एक बुलेट ग्यास उपलब्ध गराउल गेल छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका के ट्रिपर तथा मेस्तर सरसफाई के लेल नगरपालिका के क्षेत्र सब में सरसफाई कर नहीं पहुँच रहा समय में जनकपुरक लक्ष्मण अखाड़ा क्षेत्र टोलवासी सब अपने अग्रसरता में सरसफाई अभियान चलौल जनकपुरक उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 11 ततमा टोल के 2 दर्जन से बेसी युवा सब जमा भक राम जानकी टोल सुधार समिति गठन करे टोल के सरसफाई कलक जनकपुरक हिमाली बोर्डिंग स्कूलक सहयोग में युवा सबक टोली टोल के नाला आ सड़क के सरसफाई कने मधेस क्रांति संघर्ष समिति जनकपुर में प्रमुख 4 दलक अध्यक्ष सहित राप्रपा नेपालक अध्यक्ष के पुतला दहन कलक जनकपुरक भानु चौक से शुरू भेल मधेसी क्रांति संघर्ष समिति के जुलूस जनक चौक पर आबि के पुतला दहन कार्यक्रम में परिणत भेल छल। समिति के अध्यक्ष नवीन यादवक अध्यक्षता में भेल पुतला दहन कार्यक्रमक अगुवाई प्रशांत झा कयने छलथि। कार्यक्रम में एकीकृत माओवादीक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल केपी ओली सुशील कोइराला एवं एमाले राप्रपा नेपालक अध्यक्ष कमल थापा आ फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदार के पुतला दहन सँगै सरकार विरुद्ध नाराबाजी सेहो कयल गेल छल। मधेसी मोर्चा के वार्ता टोली सदस्य लाल बाबू राउत सीमांकन में सरकार उदासीन हैत मधेस जनमत संग्रह के मांग आगू बढ़ाव के चेतावनी देने छथि। अपने सब अखंड नेपाल के पक्ष में रहल आ जनमत संग्रह के पेंडुर बाकस में की निकलत है अखने कहल नहीं जा सके हुनकर कहब छलन। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल शनि दिन आयोजना केने साक्षात्कार में संघीय समाजवादी फोरमक सांसद सेहो रहल राउत सरकार आपके वार्ता में सीमांकन के स्पष्ट खाका नहीं अनलक त वार्ता भंग होबाक चेतावनी देने छथि। पहल उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग के प्रतिवेदन अपना सबके बॉटम लाइन रहल कहत अखन सरकार वार्ता के नाटक मात्रे कह रहा आरोप लगौलन। वार्ता के लिए सरकार आंदोलन में मृत्यु भेल सबके क्षतिपूर्ति सहित घोषणा घायल सबके निःशुल्क इलाज संपत्ति नष्ट भेल सबके क्षतिपूर्ति आ दमन के न्यायिक छानबीन आयोग गठन करके परत सेहो बतौलन। मधेस आंदोलन के नेपाल भारत सीमा धरि पहुँचाव के काज राज्य केला से राज्य केने बतौलन। राउत चीन के झंडा जरेनाय गलत रहल आ अय में राज्य के षड्यंत्र रहल सेहो दावी कलन। तराई मधेस में जारी आंदोलन प्रति गौर के पहाड़ी समुदाय सब सेहो शनि दिन एक बजेता रैली निकालने अछि। मधेसी मोर्चा शुरू केने अनशन स्थल धरि जुलूस के संग में पहुंचल पहाड़ी समुदाय माग संबोधन होवा परत में जोर देने छल। सदर मुकाम गौर में रहल पहाड़ी समुदाय के नागरिक सब निकालने रैली गौर के मधेस क्रांति चौक से शुरू भेल छल। सरकार विरोधी नाराबाजी करत गौर नगर के परिक्रमा पश्चात
गोरबेरगनिया सीमा क्षेत्र के मितेरी पुल में पहुंचकर धरना में परिणत भेल। मधेश में रह वाला सब मधेशी भेल कहत पहाड़ी समुदाय सब सद्भावपूर्ण एकता आंदोलन प्रति अपन समर्थन रहा बताने छल। रैली के संयोजन केने उमेश घिमिरे सब समुदाय प्रति सद्भाव आ सहकार्य कायम रख आ मधेश के मुद्दा के संबोधन कर के मांग कने अना का गौर में रहा केसरी समुदाय सब से मधेश आंदोलन प्रति एकता जनत जुलूस प्रदर्शन कने छल। मधेश के जायज मांग संबोधन के लिए सरकार के ध्यान आकर्षण करावा जुलूस निकालल गेल। केसरी समाज के अगुवा तथा नागरिक समाज गौर के अध्यक्ष जगन्नाथ केसरी बतौलन महतारी के सदर मुकाम जलेश्वर में शनि दिन से सातम राष्ट्रीय बुद्धिचाल प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय छनौट प्रतियोगिता शुरू भेल। जिला खेलकूद विकास समिति के आयोजना तथा जिला बुद्धिचाल संघ के स आयोजना में शुरू भेल छनौट प्रतियोगिता में जिला के 14 खिलाड़ी सब भाग लेने छल। सदर मुकाम जलेश्वर के महतारी क्लब तथा पुस्तकालय में शुरू भेल प्रतियोगिता दू दिन धरि चलत। जिला बुद्धिचाल संघक अध्यक्ष तथा प्रशिक्षक दीपू कुमार शाह जनौने ओ छनौट प्रतियोगिता के में जिला के दूटा खिलाड़ी छनौट का क्षेत्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भाग लेब पठाओल गेल। जानकारी दैत ई प्रतियोगिता से जिला में खिलाड़ी उत्पादन सेहो होयत दावी कैलन। प्रतियोगिता में जिला खेलकूद विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी समितिक प्रतिनिधि तथा कराते प्रशिक्षक बिंदेश्वर शाह आ समिति कोषाध्यक्ष राजू पंत के सेहो उपस्थिति रहल छल। छनौट प्रतियोगिता में बुद्धिचाल खेल में राष्ट्रीय स्तर में भाग ल चुकल खिलाड़ी सहित नव प्रतिभा सब के सेहो उपस्थिति रहल छल। नेपाली कांग्रेस आंदोलनरत पक्षसँग वार्ता कर सरकार गठन के वार्ता टोली में नहीं बैसब बतौलक मुदा मधेश के मुद्दा संबोधन करय लेल सरकार के सहयोग करब से जनौलक। सरकार मधेशी मोर्चा लगायत आंदोलनरत पक्षसँग वार्ता कर उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री कमल थापाक नेतृत्व में वार्ता समिति बनौने अछि। सरकार वार्ता टोली में कांग्रेसक प्रतिनिधि सेहो रहत बतौने छल मुदा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला वार्ता टोली में अपन पार्टी नहीं बैसत बताने अच्छे। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के बाद संसद भवन परिसर में संसार कर्मी सब संग बातचीत करते कोइराला मधेश के समस्या समाधान कर में सात दिवसीय बतौल कांग्रेस के विगत के अड़ान में कोनो परिवर्तन नहीं हाथ कोइराला बताने छत। लंबा समय से खाना पकावे वाला एलपीजी गैस के अभाव झेल रहा उपभोक्ता सबके शनि दिन से डीलर मार्फत आधा सिलेंडर गैस उपलब्ध कराब के निर्णय कानून में नहीं आला के बाद उपभोक्ता आ विक्रेता दुनू आक्रोशित भेल। गैस उद्योग सब निर्णय कारण नहीं कैला के बाद विक्रेता आ उपभोक्ता आक्रोशित भेल। वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में 4 दिन पहिने भेल निर्णय अनुसार उद्योग सब विक्रेता सबके आधा सिलेंडर गैस नहीं दिला के बाद उपभोक्ता सब खाली हाथ घूर बाध्य भेल छल। गैस विक्रेता महासंघक महासचिव चंद्र थापा उद्योग सबके बदमाशी के कारण उपभोक्ता सबके डीलर मार्फत गैस पाव नहीं सकल बतौलन। वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में 4 दिन पहिने भेल निर्णय अनुसार उपभोक्ता सबके डीलर मार्फत आधा सिलेंडर गैस वितरण करब कहत तराई के जिला के लिए छुट्टियाल गेल बुलेट से काठमांडू पहुंचाओल गेल छल। मुदा उद्योग सब आधा सिलेंडर भरत काल ढुआरी में बेसी खर्च होत एला से डीलर सबके गैस नहीं दिलक। उद्योग सब पूर्ण पूर्व निर्णय अनुसार डीलर सबके गैस नहीं दिला के बाद गैस विक्रेता महासंघ शनि दिन आकस्मिक बैसार बजा कर रवि दिन धरि गैस नहीं भेटल तक खाली सबटा सिलेंडर उद्योग सबके जिम्मा लगाब के चेतावनी देने अछि। काठमांडू उपत्यका में अखन विभिन्न गैस उद्योग में उद्योग के 800 डीलर अछि। भारत के घोषित नाकाबंदी के बाद डीलर सब गैस बिक्रीकरण नहीं पौने अछि। अपन न्यूज अखन के लिए रतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टीवी। नमस्कार।